और इस पूरे एरिया को जो कहते हैं वो कहते हैं चनाब वैली। ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ना आज से 4-5 साल पहले फ्लड आया था और पूरा ये तहस नहस हो गया था। ये वाला एरिया दिखाता हूँ, ये वाला एरिया चेक करो। ओहो, क्या बात है यार, पूरा कश्मीर की वाइब्स आ रही है यहाँ के। तो पेट्रोल फिल करवाने के बाद अभी हम पहुँचे हैं कुछ ऐसी सी लोकेशन पे, लेकिन लोकेशन यहाँ से चेक करना कितना मस्त है। यहाँ से जो व्यू दिखता है, अब इधर है ही नहीं कुछ, पहले तो फिर भी पुल था लेकिन अब पुल नहीं है। और अभी आगे से ट्रक आया और इसने गर्दे से हमारी बजा देनी है। ओ भाई साहब, ये हमारी बाइक। हमने ऑर्डर किया था पिज्जा क्योंकि बाकी सब चीजें यहाँ पे थी, लेकिन पिज्जा खाने का मन कर रहा था। हाँ जी, हो गया हमारा जो भी यहाँ पे मीटिंग था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करते सब खैरियत आफियत से होंगे। थैंक यू सो मच, कश्मीर सीरीज पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिलहाल मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का, छोटा सा विलेज है। आपको पहले विलेज चेक करवाता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ कि ये वीडियो कैसा रहने वाला है और कहाँ का रहने वाला है। ये देखो भाई साहब, इस तरफ से सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो भाई साहब, ओहो हो, क्या बात है भाई साहब, सच अ ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यू। देखो यहाँ से कितना मस्त दिख रहा है। और ये वाला देखो, सामने एक प्यारी सी मस्जिद है और सामने का व्यू देखो कितना प्यारा है। ऊपर इतनी बड़ी पहाड़ी और नीचे ये दरियाए चनाब, और इस तरफ से देखो कितना मस्त सा व्यू है। आज का वीडियो जो होने वाला है ना, ये होने वाला है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, छोटा सा टाउन है जो कश्मीर की वाइब्स देता है। नीचे दरियाए चनाब है और ऊपर पहाड़ी पर उन्होंने घर बनाए हुए हैं। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और चलते हैं हम उस एरिया की ओर जिसका नाम है ठाठरी, और काफ़ी सुना है कि कश्मीर की वाइब्स देता है। और अभी मौसम भी ख़राब है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं रेडी होके मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं। होप्स हो कि धूप निकल जाएगी और वीडियो काफ़ी अच्छा बनेगा। और यहाँ का व्यू चेक करो कितना मस्त है। चलो पहले मैं वीडियो को शुरू करते हैं और फिर आपके साथ डायरेक्ट मिलते हैं हम बाइक पे। अभी ना गली गली से आए हम शॉर्टकट में और नीचे बाइक लगी है जहाँ पे बाइक की तरफ जा रहे हैं, और शॉर्टकट रास्ता है हमारा ये। अभी देखो वहाँ पर लगी है हमारी बाइक। बाल तो आज मैंने खुले रखे हैं, होप्स हो कि अच्छे दिखते होंगे। कमेंट में बताना कि खुले बाल रखूं या बांध के रखूं, लेकिन चलो। ओहो, क्या मस्त व्यू है, धूप भी कड़ाकेदार है। देखो क्या व्यू, हमने उस तरफ जाना है पारवली साइड, तो बस चलते हैं। बाइक पे बैठ चुके हैं और बालों की कंडीशन देखो कैसी दिख रही है यार, अजीब सा लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है इतना, जब बाल रखे हैं तो इनको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, उस तरफ का व्यू कितना मस्त है। ये देखो, ये दरिया क्रॉस करके हम जाएंगे किश्तवाड़ रोड पे। अभी चलते चलते मैं पहुँचा हूँ पुल डोडा में, और यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे फेमस दरिया है जिसको कहते हैं चनाब, वो मेरे सामने है। मैं आपको दिखाऊँगा सबसे पहले वो चनाब। ये देखो, ये नीचे जो है ये है चनाब रिवर, जो कि जाता है डायरेक्ट पाकिस्तान की साइड। और आगे इसका रामबन में एक बहुत बड़ा डैम है, बगलियार डैम। और ये वाला चनाब जो है ना, ये बिल्कुल रोड के साथ में, जहाँ जब भी आप आओगे बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग टुवर्ड किश्तवाड़, या फिर घाट की तरफ भी अगर आप ड्राइव करोगे या राइड करोगे या किश्तवाड़ की तरफ जाओगे तो ये चनाब आपको दिखेगा। और किश्तवाड़ बहुत बड़ा एरिया है, कनेक्टेड एरियाज भी बहुत सारे हैं। और अभी हम पहुँचे हैं पुल डोडा में, और यहाँ से अब हम जाएंगे किश्तवाड़ की साइड, और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि कितना खतरनाक ये चनाब दिखता है। और अभी आगे से ट्रक आया और इसने गर्दे से हमारी बजा देनी है। ओ ओ भाई साहब, वाह, ऊपर से बच बच के यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ गर्दे ने कर दी है खराबी। ये देखो भाई साहब, ये दिखता तो चनाब छोटा है, लेकिन ये बहुत डेप्थ में है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे था पुराना पुल जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से कनेक्टेड था, और इसको ना आज से कुछ महीने पहले तोड़ दिया गया इस वाले पुल को, और यहाँ पे अब नया पुल बनाया हुआ था और पुराने वाले को तोड़ दिया। अब इधर है ही नहीं कुछ, पहले तो फिर भी पुल था लेकिन अब पुल नहीं है। और ये जो आपको ऊपर वाली साइड एरिया दिख रहा है ना, तो ये डोडा सिटी है, और डोडा सिटी ऊपर पहाड़ी पे है, नीचे ये पुल डोडा है, और ये चनाब है। देखो इस साइड से कैसा व्यू दिखता है चनाब का, है तो बहुत ज़्यादा भयानक दरिया ये तो, लेकिन खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बाइक पे पेट्रोल भरवाना ज़रूरी है, बिना पेट्रोल के बाइक चलती नहीं है, और पेट्रोल भराने के लिए पैसे लगते हैं, तो चलो पैसे निकालने पड़ेंगे।
और यहाँ पे हम भरवाएंगे पेट्रोल, और मे भी पेट्रोल का प्राइस है कितना 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 99.81, मतलब 100 रुपये का एक लीटर। चलो भरवा लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो पेट्रोल फिल करवाने के बाद अभी हम पहुंचे हैं कुछ ऐसी सी लोकेशन पे है। किश्तवाड़ का हाईवे है, लेकिन लोकेशन यहाँ से चेक करना कितना मस्त है। यहाँ से जो व्यू दिखता है ना डोडा का, वो उतना खास नहीं दिखता, लेकिन डोडा में जो मेडिकल कॉलेज आया है, ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घट। और ये जो है यहाँ वाली साइड से है डोडा, और ये जो है ये है मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे अभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं और हर साल यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बहुत अच्छा एक स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। और ये जो पीछे वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये है घट का एरिया, और नीचे जो ये है डोडा किश्तवाड़ और भद्रवाह की शान, हमारा दरियाए चनाब जो हमारी शान, और इस पूरे एरिया को जो कहते हैं वो कहते हैं चनाब वैली। सो चनाब से ही हमारा वैली का नाम है, हमारी पहचान है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, ये है हमारी बाइक रुकी हुई। तो रोड की कंडीशन आपने देख ली, कितना प्यारा रोड बनाया है इन्होंने। आज से 2 साल पहले मैं आया था तो तब यहाँ का रोड की जो कंडीशन थी ना सबसे घटिया थी, लेकिन अभी ना रोड एकदम से मक्खन था जो आपने देख लिया। और अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ का नाम है प्रेम नगर, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये प्रेम नगर का एरिया जो है कितना यार मतलब अजीब सा लग रहा है, अजीब सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे, क्योंकि पहाड़ी पर इन्होंने सीधा यहाँ पर घर बनाए। दिखाता हूँ एक मिनट, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो नीचे ये चनाब है, और ये जाता है सीधा बटोत से होते हुए, रामन से होते हुए पाकिस्तान, और यहाँ पे देखो यार ये है प्रेम नगर, और इस तरफ से देखो बीच में एक पुल है, और पुल देखो बनाया लकड़ी का पुल बनाया, और इस तरफ से आबादी थोड़ी सी और इस तरफ से भी थोड़ी सी आबादी है, और ये पूरा पहाड़ी पे इन्होंने घर बनाया, वो देखो पूरा पहाड़ी पे, नीचे पहाड़ है पूरा पत्थर की पहाड़ी, और इसके ऊपर घर बना दिया यार भाई साहब ये क्या किया इन्होंने। और इधर से देखो ये भी पूरा पहाड़ी पे बनाया है, और अब ये जो हाईवे का काम लगा हुआ है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये हाईवे बाहर से लेके जाएंगे, ये फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, बाहर सिटी के बाहर से लेंगे। फाइनली वी आर हेयर एट ठाठरी, और ठाठरी की मार्केट में मैं पहली बार आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा यार खूबसूरत मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, पूरा कश्मीर की वाइब्स देती है ये वाली मार्केट। तो अभी मैं पीछे से आया था, शूट करने में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे फेस कैम करने का मतलब दिल ही नहीं कर रहा था, इतना मतलब मैं देख रहा था यहाँ की मार्केट ना पूरा कश्मीर की वाइब्स देती है। लेकिन चलो हम तो यहाँ पे आए हैं कुछ मुलाकात करने के, और यहाँ का जो मार्केट है ना ठाठरी का भाई साहब रियली में कश्मीर की वाइब। तो ये देखो पहाड़ियों पे घर बनाए हैं भाई साहब ऊपर, भाई साहब क्या बात है, कितना बड़ा और कितना ब्यूटीफुल घर बनाया हुआ, वो भी पहाड़ी पे, और इधर देखो ऊपर, ओहो क्या बात है यार, और इस तरफ से देखो, और नीचे जो है ना इस मार्केट के निचली वाली साइड इधर दुकानें हैं, इनके निचली वाली साइड जो है ना वो है चनाब रिवर। लेकिन चलो हम तो आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए, बना के जाएंगे। तो भाई साहब ये देखो नीचे क्या है, ये चनाब है यार दरिया, जो पाडर और पीछे दो को रिवर हैं बड़े बड़े, वहाँ से आके मिल के ये एक चनाब बनता है, और ये वाला पुल जो है ये ठाठरी का पुल है, ये कनेक्टेड है दूसरी वाले एरियाज़ के साथ, पता नहीं कौन से एरिया है कमेंट में बताना। और ये वाला जो एरिया है ये है ठाठरी का एरिया, और कितना ब्यूटीफुल एरिया है, और नीचे ये दरिया के साथ में, ये क्या बात है यार। पूरा ठाठरी घूमने के बाद अभी हम बैठे हैं एक कैफ़े में, जामा मस्जिद के पास में है कैफ़े, यहाँ पे बैठे हैं कुछ खाते हैं, और खाने के बाद हम निकलते हैं फिर यहाँ से वापस डोडा। फिलहाल मैं बैठा हूँ यहाँ कैफ़े पे, छोटा सा एक कैफ़े है, बहुत प्यारा कैफ़े है देख सकते हो, और जामा मस्जिद के साथ में ये हिमालयन करके नाम है इसका, और यहाँ पे देखो ठाठरी का इन्होंने फ़ोटो लगाया हुआ है, ओहो क्या बात है। वो देखो हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें यहाँ पर थी, लेकिन पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, और हमारे दोस्त आए हैं कुछ,
और उनसे बातचीत करनी है। बातचीत करने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे कौन से दोस्त आए थे। ये थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे हम, और पिज़्ज़ा दिखाता हूँ कौन सा पिज़्ज़ा आया। ओहो क्या बात है यार, मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है। लेकिन चलो फिलहाल इसको खाते हैं, टेस्ट करते जी। हो गया हमारा जो भी यहाँ पे मीटिंग था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम रेस्टोरेंट के बाहर आए हैं। जो लोग आ रहे थे मिलने के लिए उनसे हमारी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रही है। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ना आज से 4-5 साल पहले फ्लड आया था और पूरा ये तहस नहस हो गया था। ये वाला एरिया दिखाता हूँ, ये वाला एरिया चेक करो, यहाँ पे ये वाला घर, ये वाली प्रॉपर्टी नई बनी है और ये वाली भी नई बनी है। ये पूरा एरिया जो है ऊपर से फ्लड आया था, ये पूरा बह गया था और ये पूरा रोड निकाल के दरिया में चला गया था। उसके बाद इस पूरे एरिया को उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं दोबारा। अल्लाह ताला हिफाजत करे इस एरिया की। और बाकी ये देखो यहाँ का व्यू कितना मस्त है। और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो मे बी ठाठरी किश्तवाड़ और आगे पीछे वाले एरियाज़ के आएंगे। और ये देखो क्या मस्त व्यू है। और ये जो मार्केट है ये है ठाठरी की मार्केट, और ये ठाठरी के अपोजिट वाली साइड, और नीचे जो ये वाला है ये है दरियाए चनाब। ठाठरी की मार्केट में, ठाठरी में आके ना एकदम से कश्मीर की वाइब दिखती है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और घर ना यहाँ के यार कमाल के घर हैं। और अभी मैं मार्केट में हूँ, मेरे सामने जामा मस्जिद है ठाठरी की। ये देखो ओहो क्या बात है यार, पूरा कश्मीर की वाइब्स आ रही है यहाँ के। और ये है ठाठरी की मार्केट। भाई साहब क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी में मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ आगे ना दिल खुश हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा डोडा, और डोडा से फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मज़ा आ गया आज आगे। और ये वाला कैफे था जहाँ पर मैं रुका था, हाय हाय मज़ा आ गया, मज़ा आ गया आगे। तो ये है यहाँ की मार्केट देखो, और शाम होने वाली है, सो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के पहुँचना है डोडा। तो अभी ना मार्केट से हम निकले हैं, और मज़ा आ गया यहाँ के। सच में कश्मीर की वाइब्स है ठाठरी में, और पूरा जो ये ठाठरी का एरिया है ये है कनेक्टेड दरियाए चनाब के साथ। नीचे दरिया चनाब है, और चनाब और ये ठाठरी, यार क्या कॉम्बिनेशन है यार। अभी मैं पहुँचा हूँ कुछ ऐसी लोकेशन पे, देख सकते हो आप, आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो ऊपर पहाड़ी है ना पहाड़ी, इस पहाड़ी के ऊपर वाली साइड है जनोत्रा धार, मतलब इस साइड जाता किश्तवाड़, और यहाँ से है ये डोडा का एरिया। ये डोडा वाली साइड से आता है रास्ता ये वाला, और देखो गाड़ियाँ अभी आ रही है, कितना रोड मस्त बनाया हुआ है। वाह जी वाह क्या बात है। और सामने देखो यार इतना बड़ा चनाब, अगर छोटी सी भी लापरवाही हुई तो इस वाली साइड से गाड़ी नीचे जा सकती है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने बैरिकेड लगाया है बाहर से, ये पूरे किश्तवाड़ डोडा पूरा चनाब वैली एरिया में इसको लगाना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब लगा रहे हैं, लेकिन जब भी आप ऐसे रोड्स पे आते हो बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग वाइल यू आर राइडिंग ए बाइक्स। और देखो अभी कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं। ओहो क्या बात है यार, मस्त सी लोकेशन है ठाठरी और प्रेमनगर। और प्रेमनगर का व्लॉग जल्दी आएगा। फिलहाल मुझे लगता है मुझे यहीं से इस वीडियो को एंड करना चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। चलो मिलते हैं नई वीडियो नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।